Very good morning, students. I am your English teacher, and today I will teach you English of class 2. And today we continue chapter 5. And today we do part 3, hard words. So chapter 5 is the grasshopper and the ant. Today we do part 3. And in part 3, we do hard words of this chapter. So first you underline hard words. सबसे पहले आप बच्चों इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे. ओके, सबसे पहले आप ग्रास हॉपर को अंडरलाइन कीजिए इस तरह से. फिर लेजी आप बुक में ही अंडरलाइन करेंगे बच्चों पेंसिल से. इसके बाद लाफ्ड, देन ग्रेन्स, अहेड, लाउडर, सीजन, हंग्री, स्नो. कम टू द नेक्स्ट पेज. स्लैम्ड एंड शट. ये क्या है बच्चों? हार्ड वर्ड्स. अभी जो मैंने आपको ये अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारे क्या हैं? हार्ड वर्ड्स हैं. अब हम इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. देखिए किस तरह से नोट करेंगे. क्लास 2, चैप्टर 5, द ग्रास हॉपर एंड द एंट. सबसे पहले आप हार्ड वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे. इसके नीचे आपको सभी ये हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. देखिए मैंने हार्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं. देन मीनिंग, हम यहाँ पे हिंदी में मीनिंग लिखेंगे. देन सेंटेंस, हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे. तो इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में इनको कंप्लीट करना है. चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट हार्ड वर्ड्स था हमने जो भी हमने अंडरलाइन अभी अपनी बुक में की थी वो सभी हार्ड वर्ड्स आप यहाँ पर नोटबुक में लिखेंगे. अब उनका मीनिंग देखिए. ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक घास का कीड़ा होता है जो घास में रहता है, उसे हम टिड्डा भी कहते हैं. ग्रीन कलर का होता है तो उसे टिड्डा भी कहते हैं या फिर घास का कीड़ा. अब सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव सीन अ ग्रास हॉपर. लेजी, लेजी का मीनिंग होता है आलसी. बी एक्टिव, डोंट बी लेजी. एक्टिव बनो यानी कि चुस्त बनो. डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो. लाफ, लाफ का मीनिंग होता है हंसना. लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कि हंसना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है. ग्रेन्स, अनाज. ग्रेन्स आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए ग्रेन्स यानी जो अनाज हैं वो बहुत ही जरूरी हैं. नेसेसरी मीन्स जरूरी हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो उसमें अनाज ही तो खाते हैं. जैसे चपाती में गेहूं है, चावल खाते हो आप, राइस, ये क्या है? ग्रेन्स. अहेड, अहेड का मतलब बच्चा होता है आगे या पहले ही. तो मूव अहेड यानी आगे बढ़ो. इसी तरह से हार्ड वर्ड्स और भी हैं. लाउडर यानी जोर से, कहते हैं ना स्पीक लाउडर, जोर से. स्पीक लाउडर, जोर से बोलो. सीजन, ऋतु, जैसे गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु, सर्दी की ऋतु या मौसम. तो आई लव विंटर सीजन, कि मुझे विंटर सीजन पसंद है, अच्छा लगता है. हंग्री, भूखा. ही ऑलवेज रिमेन हंग्री, यानी वो हमेशा भूखा रहता है.
स्नो, स्नो का होता है बर्फ. ट्रीज आर लोडेड विद स्नो, यानी जो ट्रीज हैं यानी कि जो पेड़ हैं वो सभी बर्फ से ढके हुए हैं. जिस जगह पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो वहाँ पर हर चीज़ बर्फ से ढक जाती है. स्लैम्ड, जोर से या पूरे बल के साथ, जैसे हम किसी को मारते हैं तो पूरी ताकत लगाकर मारते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं स्लैम्ड, यानी पूरे जोर बल के साथ यानी पूरी ताकत के साथ. तो शी स्लैम्ड द प्लेट इनटू द सिंक. अब जैसे आप खाना खाते हो, कभी आपको गुस्सा आता है तो आप प्लेट बर्तन सिंक में बहुत जोर से डाल देते हो, तो इसी तरह से उसे हम कहते हैं स्लैम. या हम किसी को मारते हैं तो जोर से मारते हैं, या कोई आप का मूड खराब है तो आप अपना बैग जोर से पटक देते हो, है ना, इस तरह से होता है स्लैम. शट यानी बंद करना, शट द डोर यानी दरवाजा बंद करो. तो इस तरह से ये आपके हार्ड वर्ड्स थे बच्चों. आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में ये हार्ड वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं, लिखने हैं, और अपनी रफ कॉपी में इन्हीं हार्ड वर्ड से 3-3 सेंटेंस और बनाने की आप प्रैक्टिस करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.